हेलो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को मालूम है कि TDS के रेट ड्यू टू COVID-19 रिवाइज हो चुके हैं। 25% का लेस रेट अब हमें लगाना होगा जो भी हम TDS डिडक्शन करेंगे। एक छोटा सा रिकैप इसका कर लेते हैं। पेमेंट टू रेजिडेंट के साथ आपको अदर देन सैलरी का भी ध्यान रखना है। सैलरी लोगों के लिए ये रिवाइज रेट जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। इसी तरीके से जो 25% का रिड्यूस रेट है वो आपका रिमेनिंग पीरियड जो कि हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में एप्लीकेबल है, और ये आपका जो विद इफेक्ट है वो 14th मई से एप्लीकेबल है। यानी कि 14th मई से पहले की अप्रैल मंथ की और मिड ऑफ द मई मंथ तक की जितनी भी आपकी डिडक्शंस हैं वो फुल रेट से 100% के रेट से एप्लीकेबल है, और आपका बाकी 14th मई के बाद जितना भी डिडक्शन होगा वो अब 25% लेस रेट पर होगा। तो इसमें और आगे हम थोड़ा सा डिटेल की अगर मैं बात करूँ तो और भी कुछ स्पेसिफिक इम्पॉर्टेंट बात है जो ध्यान रखनी है। वो ये है कि आप अगर पैन नहीं अवेलेबल करा रहे हैं, यानी डिडक्टीज अपने पैन नंबर नहीं मेंशन करेंगे रिटर्न के अंदर, डिडक्शन के अंदर, तो वहाँ पर आपका रिवाइज रेट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगर हम बात करें रिवाइज रेट की जो COVID-19 की वजह से है, वो पैन नॉट अवेलेबल के केस में एप्लीकेबल नहीं है। इसी तरीके से जो अल्टीमेट आपकी टैक्स लाइबिलिटी है, यानी कि टैक्स पेयर जो एट द एंड ऑफ द ईयर जब अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, वहाँ पर अगर आपका कोई भी शॉर्टफॉल है या कोई भी आपका टैक्स लाइबिलिटी आपकी जो बचती है और आपने लास्ट टू लास्ट ईयर उसको आप TDS के संग सेट ऑफ करते आ रहे हैं, तो इस बार आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका कोई भी शॉर्ट डिडक्शन वहाँ पे नहीं होना चाहिए। वो आपको एडवांस टैक्स के थ्रू ही पे करना होगा। इट मीन्स कि एडवांस टैक्स आपका जो भी गैप है रिड्यूस रेट की वजह से, जो TDS की रेट रिड्यूस होने की वजह से जो गैप आया है उस अमाउंट का, वो अमाउंट आपको एडवांस टैक्स के अकॉर्डिंग पे करना पड़ेगा। उसके लिए आप कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं रखेंगे। इवन आपका अगर एडवांस टैक्स उस वजह से आपने एडवांस टैक्स लेट भरा है, तो आपका वो जो 234 ABC का इंटरेस्ट है वो भी अकॉर्डिंगली आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो टैक्स पेयर को ये ध्यान रखना है कि बेशक उनको COVID-19 की वजह से रिड्यूस रेट का बेनिफिट मिला है, बट स्टिल उनको अपनी टैक्स लाइबिलिटी जो एट द एंड ऑफ द ईयर आने वाली है उसके बारे में ज़रूर प्लान करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत अमाउंट एडवांस टैक्स में या थोड़ा बहुत सेल्फ असेसमेंट में पे करने के लिए बच जाए। इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो सैलरी से रिलेटेड आपका एक सेक्शन है, सेक्शन 192, जो कि प्रोविडेंट फंड के लिए होता है, विड्रॉल के टाइम पर हम इसे एप्लीकेबल होता है ये, तो वो भी आपका इसके अंदर कवर्ड नहीं है। तो ये कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब बात ये आती है कि इन सारी चीज़ों को ध्यान रखने के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि कब आपको 100% रेट लगाना है, कब आपको 25% लेस करके लगाना है। दैट मीन्स अगर आपकी कोई अप्रैल की एंट्री है या आपकी सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ मई की एंट्री है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि उसमें आपको वो क्रॉस लाइन ध्यान रखनी होगी कि 100% कब लगेगा, 25% कब लगेगा। चलिए देखते हैं किस तरीके से वेब ETDS सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करता है डिवाइस रेट के अकॉर्डिंग और आपकी एंट्री के अकॉर्डिंग किस तरीके से हम 26Q को फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मास्टर में जब हम पार्टी मास्टर बनाएंगे तो यहाँ पर कुछ फीचर्स हमने इनेबल किए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे पार्टी का नाम लिखेंगे। पार्टी का नाम लिखने के बाद पैन नंबर, और यहाँ पर हमें उनका स्टेटस सेलेक्ट करना है, रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है कि TCS है। नॉन रेजिडेंट के केस में रिवाइज रेट आपके एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो आप यहाँ पे नॉन रेजिडेंट अगर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे आपका कोविड का रिवाइज रेट जो है वो नहीं आ रहा है। सिमिलरली जब आप TCS का अगर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे TCS के रेट्स भी आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, और जो विद इफेक्ट रेट्स हैं वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल किए हुए हैं। यहाँ पर रेजिडेंट मैं इसको सेलेक्ट कर रही हूँ। अभी न्यू चेंजेस की अगर मैं बात करूं तो अब आधार नंबर भी, अगर इंडिविजुअल पर्सन है तो आधार नंबर भी आपको उनका अपडेट करना होगा, तो वो भी आप एक ऑप्शनली आधार यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। इसी तरीके से जब मैं यहाँ पे इसका सेक्शन सेलेक्ट करूंगी तो सेक्शन सेलेक्ट करने पर मुझे यहाँ पर इसका एक एनालिसिस पता लग जाएगा कि भाई नॉर्मल रेट किस तरीके से हैं, क्या हैं, और अकॉर्डिंगली रिवाइज रेट होने के बाद क्या रेट होंगे। इसके बाद जब मैं सेव का बटन क्लिक करूंगी तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी हमने ये दी हुई है कि आप एक स्पेशल रेट जो कि सेक्शन 197 के केस में एप्लीकेबल होता है, जहाँ पे निल और लोअर का रेट एप्लीकेबल होता है, जहाँ पे नॉर्मल रेट से आपको एक लोअर का रेट की फैसिलिटी मिल जाती है,
तो अगर वो रेट आपने, अगर वो सर्टिफिकेट आपने लिया हुआ है, तो आप यहाँ पे सेट स्पेशल रेट को येस कर देंगे और वो मॉडिफाई रेट आप इस पर्टिकुलर पार्टी के लिए सिलेक्ट कर देंगे। अगर आपका कोई ऐसा केस नहीं है तो आप इसको नो करके सेव कर देंगे। जैसे ही आप इसको सेव करके क्लोज कर देंगे, आपकी ये पार्टी मास्टर के अंदर पार्टी क्रिएशन हो जाएगा। इसके बाद जब हम टैक्स डिडक्शन में जाके पेमेंट टू अदर देन पेमेंट टू रेजिडेंट में न्यू रिकॉर्ड करेंगे, जो कि अदर देन सैलरी के लिए है, यहाँ पर हम अपना एक पार्टी मास्टर सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि हमने राम बनाया था। ये यहाँ पर मैं इसका अमाउंट लिख लेती हूँ। तो अमाउंट डालने के बाद अगर मेरी ये एंट्री 20th अप्रैल की है, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि 10% का रेट जो है वो अकॉर्डिंगली एप्लीकेबल हुआ है। लेकिन अगर मेरी यहाँ पे डेट चेंज करके मैं इसको 15th मई कर देती हूँ, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो डिडक्शन है वो ऑटोमेटिकली 7.5 हो गया है। नॉर्मल रेट की जगह आपके रिड्यूस रेट एप्लीकेबल हो गए हैं। तो जो हमारे एग्जिस्टिंग यूज़र्स हैं, जिन्होंने डेटा ऑलरेडी बना रखा है सॉफ्टवेयर के अंदर, उनके लिए कोई भी परेशानी नहीं है। उनको फटाफट से बस अपनी डेट चेंज करनी है और उनके एप्लीकेबल रेट्स जो है वो ऑटोमेटिकली उस पार्टी के लिए आ जाएंगे। न्यू यूज़र्स के लिए भी ईजी है कि जैसे ही उनको सिर्फ एक पार्टी मास्टर क्रिएट करना है, जो कि बेसिक डिटेल्स हैं उनकी, नाम और पैन नंबर और बाकी 2-3 स्टेटस जो आपको अपडेट करने होते हैं। इसके बाद आप जैसे ही उसकी एंट्रीज डालना शुरू करेंगे, तो डेट वाइज ही अकॉर्डिंगली रेट्स को है जो मेंटेन कर लेगा। तो एक इजी वे में आप अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। फिलहाल इस रिटर्न के लिए अब आपको टैक्स डिपॉजिट में जाके चलान क्रिएट करना है। एक चलान की एंट्री आपको यहाँ डालनी है, जो भी आपका इसका पेमेंट होगा, और रिपोर्ट में जाके 26Q में आप क्वार्टर 1 की सिलेक्ट करने के बाद इसको FVO फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जनरेट फाइल करके, और आप अपनी रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं। तो करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।